There's been major chaos at railway and bus stations across Uttar Pradesh as lakhs of examinees travelled for a major Uttar Pradesh government qualifying exam for government jobs. उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे काफी भीड़ देखने को मिली है पिछले दो दिनों में. ये अभ्यर्थी जो हैं 35 लाख से ऊपर वो लोग एक बड़े उत्तर प्रदेश के क्वालिफाइंग सरकारी जॉब्स के क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए उन्होंने ट्रैवल किया है. ये आरोप लगे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेन और बसेस पूरी नहीं दी गई जिससे ये लोग आराम से चल पाए. द एलिगेशन इज दैट एडिक्वेट बसेस एंड ट्रेन वर नॉट प्रोवाइडेड. नाउ अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर गोइंग बैक आफ्टर देयर एग्जाम्स टू देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन. ये लोग अपने घरों को जा रहे हैं. कुछ एग्जाम स्पेशल यहाँ लगाई गई हैं लेकिन इसमें भी काफी भीड़ होगी क्योंकि ट्रेनें कम हैं और लोग जो अभ्यर्थी हैं वो या जो परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम देने आए थे वो लोग ज्यादा हैं. दिस इज द लगेज कंपार्टमेंट, द लगेज वैन. ये लगेज वैन है इस स्पेशल ट्रेन की. ये सारे जितने आपको लोग दिख रहे हैं अपना एग्जाम ये दे चुके हैं. आपका नाम क्या है? प्रभात वर्मा. प्रभात कहाँ से आए? प्रयागराज. प्रयागराज कब आए आप एग्जाम के लिए? आज सुबह प्रयाग से 1 बजे ट्रेन पकड़े थे और सुबह 6 बजे पहुंचे. सुबह 6 बजे पहुंचे हैं. अभी तो आप आराम से बैठ गए हैं लेकिन आप मुझे बता रहे थे कि आते वक्त इतना आराम नहीं था. आते वक्त बहुत दिक्कत हुई थी. ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं थी. काफी परीक्षार्थी चढ़ भी नहीं पाए थे ट्रेन में. बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी. ये समझो पूरी रास्ते एक पैर पे खड़े होके आना पड़ा. कोई ट्रेन नहीं थी. जो पहले से ट्रेन चल रही थी वही एक ट्रेन थी. कोई स्पेशल ट्रेन नहीं. स्पेशल ट्रेन नहीं थी? नहीं, स्पेशल ट्रेन आते वक्त नहीं थी. अभी जाते वक्त अचानक कोई ट्रेन चलाई गई यही. तो इसमें भी अब जगह कम पड़ गई है. सब जैसे तैसे बैठे हैं. जी जी. तो आप जो पहली ट्रेन आई उसमें चढ़ पाए आते वक्त या 2-3 ट्रेन के लिए रुकना पड़ा? नहीं, हम लोग चढ़ गए थे ऐसे धक्का मुक्की में. किसी तरह पीछे से धक्का पा के चढ़ गए थे. काफी परीक्षार्थी छूट भी गए थे. साथी के जो थे वो बाद वाली कुछ ट्रेनें से आए सुबह हुआ. आपका नाम क्या है? आदित्य. आप कहाँ से आए? वही प्रयागराज. प्रयागराज. आप इनके साथ ही आए? साथ ही आए हैं. उतनी तकलीफ आपको हुई कि आप थोड़े आराम से चले? हम भी वही एक पैर पे खड़े होके आए. जगह बिल्कुल नहीं थी. बहुत एकदम भारी हुई थी ट्रेन. तो आपको ये लगता है जैसे सरकार ने कहा जब बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए तो सरकार ने कहा कि नहीं बहुत सारे वीडियोस फेक हैं. कुछ फेक भी थे ऐसा नहीं है लेकिन सरकार ने कहा कि भाई हमने ट्रेन चलाई बस चलाई और लोग उसमें आए और उतनी तकलीफ हुई नहीं. आप इस बात को मानते हैं? आपको लगता है और करना चाहिए था सरकार? और कुछ करना चाहिए था. मतलब आते वक्त जैसे सेंटर आते वक्त जैसे करना चाहिए था. ना तो बसें दिख रही थी. फ्री वाली बसें नहीं दिख रही थी कहीं भी. और उसके बाद ट्रेन तो अभी जाते वक्त तो बहरहाल दिख गई. वैसे प्रयागराज से कोई स्पेशल ट्रेन नहीं थी. आपका नाम क्या? सुधीर कुमार पाल. सुधीर जी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि बस का सुविधा कोई नहीं था. हम लोग के पास 3 बस बदले थे. कल शाम को 6 बजे चले आज सुबह 6 बजे पहुंचे यहाँ पे. 12 घंटा? 12 घंटा में कहाँ से बिगड़ गई बस? प्रयागराज से? हाँ प्रयागराज नहीं बनारस से. बनारस से आए? हाँ बनारस से. रास्ता है 5-6-7 घंटे का है? हाँ हाँ 5-6 घंटे 6 घंटे का है. आप कितने साल के हैं? हम तो 25-26 साल के होंगे. इससे पहले भी कभी आपने पीटी या पेट दिया? या पहली बार दिया था. भदोही में गया था मेरा सेंटर. भदोही में गया? हाँ. तो भदोही तो बनारस के पास है. इस बार थोड़ा दूर हो गया आपका? पास ही में. इस बार थोड़ा दूर में? हाँ बहुत दूर में है. दूर में बहुत दिक्कतें होती हैं. हम लोग के इतना दिक्कत हो तो लेडीज के तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती होंगी. जी आपका नाम क्या? रवि कुमार मौर्य. रवि जी आप कहाँ से आए? अमेठी से आए. अमेठी से आए हैं. आपको आने में कैसी दिक्कत हुई या आप ठीक ठाक आ गए? सर आने में बहुत दिक्कत थी. ट्रेन पूरी भरी थी. सुबह इंटरसिटी जितने डिब्बे सारे फुल थे. लेडीज थी वो सब खड़ी थी. जेंट्स भी खड़े थे. जगह नहीं थी आने की. सरकार ये कह रही है कि हमने इंतजाम किया था. इंतजाम किया था सर बट पिछली परीक्षा में देखा जाए तो सेंटर नियर बाय दिया गया था 30-40 किलोमीटर के अंडर में. इस बार 120-200 किलोमीटर के अंदर में सेंटर देने का मतलब सर अमेठी के बच्चे का सेंटर नोएडा गया है. कैसे पेपर देने जाएगा वो पेट का जो कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर नहीं है. टेट और सुपर टेट का एग्जाम होता है तो सेम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर मिलता है अलॉट होता है. 30% लेडीज पेपर नहीं दे रही है सर पेट का. और ये एग्जाम जरा दर्शकों के लिए समझा दीजिए क्यों इम्पोर्टेंट है. जैसे अगर आप ये क्लियर कर लें तो आगे क्या होगा? एग्जाम अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो आगे की जो एग्जाम होंगे लेखपाल हो गया आपका वीडियो हो गया और भी जो ग्राम समाज अधिकारी राजस्व विभाग के जितने भी फॉर्म हैं पेट के वो केवल फॉर्म भरने के योग्य होंगे. हम इसको पास कर लेंगे तो इसके लिए इतनी मशक्कत आपको मतलब इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है सर. जी सर आपका क्या नाम है? विमलेश कुमार नाम है. जी विमलेश जी सर मेरा कहना यह है कल जो हम लोग सब हमारे साथी भाई आए बहुत दुर्दशा खराब थी. ये समय इतनी भीड़ थी. उन्हें बहन सिस्टर बहन बेटियां जो आ रही हैं एग्जाम में भाग ले रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है. कुछ हादसा हो जाए तब प्रशासन आके देखेगी. तब भी एग्जाम के डेट्स तो पहले से सर मालूम थे तब आपको क्यों लगता है इस तरह का हाल हुआ? सर
प्रयाग जंक्शन पे थे भाई साहब आप कल शाम को? प्रयाग जंक्शन पे बहुत इतना ज्यादा कि ट्रेन पे चढ़ने लायक नहीं था, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल था। हम खुद तीन चार डिब्बा छोड़े लास्ट इंजन के समय वाले पे बैठे, टाइम मिला आ गए, नहीं हम वापसी चले जा रहे थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेपर की डेट पहले से पता है, इम्पोर्टेंट है पेपर डेट भले पहले पता है बच्चे को, क्या बच्चा दो दिन पहले सेंटर पहुंच क्या करे? वहाँ भी अरेंजमेंट करना, पैसे भी लगते हैं खर्च होने के लिए, रहने के लिए, तो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होगी अगर दो दिन पहले से कोई आता है तो। आपको क्यों लगता है सरकार क्यों इतने इंतजाम नहीं कर पाई? सरकार को सेंटर सेल्फ डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए। दो दिन में सेंटर इन्होंने चॉइस करके नहीं दो दिन में एग्जाम करा रहे हैं, एक हफ्ता कम से कम 15 दिन 10 दिन करवाते, डिवाइड बाई डिवाइड करते जो है जिले बाय जिले के बहन जो हमारी बहने हैं उनको जिले में डाल देते सही रहता है। आपको लगता है जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे? एकदम नाकाफी थे सर, एकदम मुश्किलों से आया हुआ आदमी, मेरा छोटा भाई था उसकी तबीयत खराब है, वो वापसी चला गया घर, ये सब भीड़ भाड़ देख के। सेंटर जो भी हो एग्जामिनेशन का सेल्फ डिस्ट्रिक्ट या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए, जैसे मेठिया तो सुल्तानपुर दे दें आप, रायबरेली दे दें, प्रतापगढ़ दे दें, लेकिन आप दो दो 300-300 किलोमीटर सेंटर देंगे कैसे होगा सर? उन्नाव तक सेंटर गया है हमारे यहाँ का, नोएडा तक। तो मेरे ख्याल से विडम्बना यह है, दी इशू इज कि यू हैव अ मेजर एग्जाम, बड़ा एग्जाम है, और जैसे कि लोग कह रहे हैं कि एग्जाम की चुनौती तो अलग है, द चैलेंज ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, बट एक सेंटर तक पहुंचने में अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सो दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक नोट ऑफ, बिकॉज एग्जामिनेशन एक बहुत टेंशन का काम होता है, बहुत मुश्किल से एक बच्चा या एक अभ्यर्थी तैयारी करता है, और उसके बाद अगर आप इतना थक जाएं एग्जाम के सेंटर तक आने में, इफ यू गेट सो फटीग गेटिंग टू एन एग्जामिनेशन सेंटर, देन देर इज सर्टनली अ बिग प्रॉब्लम एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया, विद कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता, दिस इज आलोक पांडे, एनडीटीवी।